समय टाइम हमारी जिंदगी में इसकी बहुत कीमत है। जिसने भी वक्त की कद्र की उसे जिंदगी में बहुत कामयाबी मिली, लेकिन जिसने वक्त की अहमियत को नहीं समझा उसे वक्त ने भी ठोकर मार दी। आयो उठो, सुबह के 6 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना, उठो नहीं तो स्कूल बस चली जाएगी। अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर और सो लेना, पहुंच जाऊंगा स्कूल में टाइम से। आयो तुम्हारा ये 10th का इम्पोर्टेंट साल है, थोड़ा ना तो सीरियस हो जाओ, तुम्हें मैं टाइम की वैल्यू नहीं है ये भी नहीं के। Talk about the power sharing arrangement practiced in different countries. Machining
is the exchange of the power with others, group of the people to making administrative setup more better of that country. Children, now we study the properties of ethanol. Then, ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at temperature 170 degrees Celsius. We have three methods to find out the mean. The direct method, and this is actually caused by अरे टीचर्स प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाइए, कुछ नहीं समझ आ रहा। इतना मार्क्स पढ़ाओगे तो मुझे कैसे समझेगा बच्चा? हम पास नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि आप स्लो पढ़ रहे हो। इतना स्लो पढ़ेंगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? आप अगर इतना स्लो पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में करेंगे क्या? अपना पेपर टाइम से कम्प्लीट कैसे करोगे बेटा? अपनी जिंदगी में टाइम की वैल्यू कब समझोगे? टीचर्स मैं सब कर लूंगा, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। अक्षय कुमार, काजोल, क्या इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की? बट आज ये लोग कितने फेमस है। अबे ओए, सबका नाम तो दे रहा है ना, उनका एजुकेशन बड़ी कम हो बट उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन्होंने अपने क्रिकेट के खेल के दम पर दुनिया भर में एक मिसाल कायम की है। अक्षय कुमार, काजोल, उन्होंने अपनी एक्टिंग से दुनिया भर के ऑडियंस के दिलों पे राज किया है। इन लोगों ने अपने करियर को अपना पैशन बनाकर दुनिया भर में अपना नाम कमा लिया है। और तू? ना तो तू वक्त पे पढ़ाई करता है, ना ही अपने किसी पैशन और हॉबी पे फोकस करता है। ऐसे ही रहेगा ना तो जिंदगी में कभी पास नहीं हो पाएगा तू। वही जा रहा हूँ। दो दिन बाद क्लीनिंग है तेरी, कुछ तो सीरियस हो जा।
स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर, एग्जाम में क्या लिखोगे? लिख लूंगा माँ, दो दिन बाकी है प्रीलिम्स में, अभी बहुत टाइम है। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अरे आर्या सुनो तो, पढ़ाई छोड़ के मत जा। ओह गॉड, यही हाल रहा तो कैसे पास होगा ये लड़का। बहुत पढ़ेगा और पास होकर दिखाऊंगा।